डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। महायुतीचा मेळावा, त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा या ठिकाणी भरत गंगोत्री जी आणि प्रमोद इंदुराव जी यांच्या अध्यक्षतेखाली जे आहे ते या ठिकाणी आपण घेतोय। आज या उल्हासनगर मधील सगळे कार्यकर्ते या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हा मेळावा जो आहे तो येणाऱ्या 20 तारखेला जी निवडणूक होणार आहे त्या निवडणुकीसाठी जे आहे हा मेळावा या ठिकाणी घेतोय। आणि ही निवडणूक जी आहे ती फक्त डॉक्टर श्रीकांत शिंदेची नाही, ही निवडणूक जी आहे या देशाची निवडणूक आहे। म्हणून आपल्याला सगळ्यांना जे या निवडणुकीमध्ये सहभागी त्या ठिकाणी व्हायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे जे आहे ते त्या ठिकाणी आपल्याला काम करायचं आहे, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचायचंय। आज या मतदारसंघामध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कामं झालेली आहेत। आपण ते पाहतोय की सगळीकडे आपण घराच्या बाहेर निघालं की कामच काम जे आहे त्या ठिकाणी चालू आहेत। मगाशी हरकिरण कौर मॅडमनी काही विषय या ठिकाणी मांडले आहेत। या उल्हासनगरमध्ये गेल्या 10 वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जे आहे ते आपण या ठिकाणी निधी आणण्यामध्ये यशस्वी झालो। या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री मोदी असतील, दोघंही त्यांचं या ठाणे जिल्ह्यावरती बारीक लक्ष आहे। म्हणूनच या लोकसभेमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये 1000 कोटीचा निधी जो आहे तो गेल्या 10 वर्षामध्ये याच्यामध्ये आलेला आहे, या लोकसभेमध्ये आलेला आहे, हे कोणी नाकारू शकत नाही। कारण की अगोदर 10 वर्षा अगोदरची परिस्थिती आणि आत्ताची परिस्थिती जी आहे त्याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक जो आहे तो या कल्याण लोकसभेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। मगाशी मॅडमनी सांगितलं की त्या ठिकाणी अंबरनाथमध्ये गेलं की त्या ठिकाणी वेगळी अनुभूती जी आहे। अंबरनाथ में हम लोग अगर जाते हैं तो अंबरनाथ में अच्छे रोड, अच्छी सुविधा, अच्छी व्यवस्था आपको जो है वहां पर देखने के लिए मिलती है। उल्हासनगर जो है अंबरनाथों को सटा हुआ जो शहर है, लेकिन अंबरनाथ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, उल्हासनगर की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। अंबरनाथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंबरनाथ में एक भी सड़क ऐसी छोड़ी नहीं है जो सीमेंट कंक्रीट की हुई नहीं है। इसी के साथ में अंबरनाथ में मेडिकल कॉलेज हम लोग ने मंजूर किया, अंबरनाथ में खुद का अस्पताल जो आज बनकर वहां पर तैयार है, अंबरनाथ में जो है शूटिंग रेंज हम लोग ने बनाई, अंबरनाथ में जो है हम लोग ने वहां पर एक एमपीएससी यूपीएससी भवन जो है वहां पर शुरू किया। उसी के साथ में अनेक गार्डन जो है वहां पर हम लोग कर सके, ये क्यों कर सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है रिजर्वेशन के प्लॉट जो थे वो खाली थे, रिजर्वेशन के प्लॉट जो थे खाली थे, उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं था। और रोड हम लोग कर सके क्योंकि रोड पर भी जो है अतिक्रमण ज्यादा वहां पर नहीं था, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वहां पर निधि जो है हम लोग यूज कर पाए। एक स्टेडियम का काम देखिए वहां पर अभी चल रहा है, अगले एक साल में स्टेडियम का काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उल्हासनगर में जो है कम काम हुए। आज उल्हासनगर की भौगोलिक परिस्थिति आप देखोगे तो 13 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है ये उल्हासनगर का है। और उल्हासनगर में जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो है खाली लैंड पार्सल की है। उसी के साथ में इतने सालों से आए हुए लोग जो उल्हासनगर में काम धंधा यहां पर कर रहे हैं, जो दुकानें हैं, सबसे ज्यादा अगर आप रोड पर जाओगे, अगर आपको कोई भी रोड वाइडनिंग करनी है तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है दुकानों का, व्यापारियों का, जो कितने सालों तक जो है यहां पर जो है काम कर रहे हैं। तो जब भी हमको ये उल्हासनगर का डेवलपमेंट करना है तो हमको लिमिटेड स्कोप जो है उल्हासनगर के लिए मिलता है। तो जब भी हमको स्कोप मिला कि उल्हासनगर में जो है अच्छी सड़कें बननी चाहिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज भी उल्हासनगर में नहीं था, इसलिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए 450 करोड़ रुपए का निधि जो है हमने यहां पर लाया। और उसी के साथ में 2500 करोड़ रुपए का निधि जो है रोड के लिए हम लोग ने यहां पर लाया। और रोड जो है अगर आप देखोगे तो कई रोड जो है यहां पर बन चुकी है और कई रोड जो है यहां पर बन रही है। कल ही मैं उल्हासनगर में था, ये जो रोड सामने का है ये रोड सामने के रोड पर सिर्फ मट्टी थी। मैंने कमिश्नर को बोला ये काम जो है तो एक्सपीडाइट करो, एमएमआरडी के कमिश्नर से जो है रोज उसके बारे में फॉलोअप हो रहा है। आज मैं यहां पर आया तो आज जो है वहां पर पत्थर डालने का काम शुरू हो चुका था।
तो कुछ काम जो है यहाँ पर हम लोग के हो चुके हैं, कुछ काम जो है हम लोग कर रहे हैं। जैसे प्रदीप जी ने कहा कि पूरे शहर में जो है रोड के काम चल रहे हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि एक 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 रोड हम लोग ले, लेकिन एक एक रोड ले तो पूरे शहर में दिक्कत जो है एक साल दो साल तक चलती रहेगी, वो हमको नहीं चाहिए। इसलिए जो है ये पूरे रोड के काम एक साथ, अगर आप मुंबई में जाओगे तो मुंबई में सभी सड़कों पर जो है मेट्रो का काम एक साथ चालू है। अगर हम लोग करते बैठेंगे मेट्रो, एक लाइन करो आज मेट्रो, कल दूसरी लाइन करो, परसों तीसरी लाइन करो, तो जब तक जो है तीसरी लाइन का यूज होता है तब तक जो है पहली लाइन जो है मतलब लोगों की समस्या जो है और बढ़ती है। मुझे लगता है कि शॉर्ट स्पैन में कम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो, इसके लिए हमारा जो है प्रयास यहाँ पर है। और यहाँ पर इस सभी रोड का काम जो है, मुझे लगता नहीं कि इसके पहले जो है इतनी बड़ी निधि जो है यहाँ पर उल्लासनगर में कभी आई थी। नंदू वहां पर जो है मुंडी हिला रहा है, उसको इसमें से कुछ तो अभी न्यूज निकालेगा वो और वहां पर लगाएगा। मुझे लगता है कि शहर की अच्छाई के लिए, मुझे लगता है कि शहर का अच्छाई जो है आज चालू हो गया है। शहर की अच्छी चीजें जो है हमें जो है लोगों को बताना है। शहर के बारे में जो है हम ठीक है, हमारे पास बहुत स्कोप कम है यहाँ पर। जो हमारे लोग, आपने कहा कि लिखते हैं कि उल्लासनगर में जो है उल्लासनगर का एड्रेस नहीं लिखते, मुंबई का एड्रेस लिखते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा आज जो उल्लासनगर की आज स्थिति है और आने वाले उल्लासनगर की स्थिति रहेगी, इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क जो है आपको मैडम वहां पर दिखेगा। आज GDCPR, किसने सोचा था कि हमारे घर जो है लीगल हो जाएंगे। इतने सालों तक जो है हम लोग इल्लीगल घर में रह रहे थे और कभी भी बारिश आती थी तभी हमारे घर गिरते थे। हम जो है पूरी जान जोखिम में डालकर उस घर में इतने सालों तक रहे। किसने विचार किया कि उल्लासनगर के लिए अलग से UDCPR बनेगा, लेकिन हम लोगों ने विचार किया कि इस उल्लासनगर के डेवलपमेंट के लिए जो है अलग से UDCPR हम लोग को बनाना होगा, जिससे उल्लासनगर का विकास यहाँ पर हो। जो हमारे पास लिमिटेशंस है, जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है हम लोग अगर यही UDCPR लगाते उल्लासनगर में, तो उल्लासनगर में कभी भी डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर्स का जो है कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। लेकिन आज उल्लासनगर के हिसाब से जो FSI यहाँ पर लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग ने UDCPR यहाँ पर बनाया। और आपको मैं कहूंगा कि कोई भी शहर में जो है ये अलग UDCPR जो है पूरे देश में नहीं है, लेकिन उल्लासनगर में हम लोग ने किया, जिससे आने वाले समय में 6 FSI जो है हमको यहाँ पर मिलेगा। और जब तक ये FSI हमको मिलता नहीं है, तभी तक डेवलपर भी जो है बाहर से यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए 6 FSI हमको मिलेगा तो तभी जाकर डेवलपमेंट जो है, दुकान हो मकान हो, सबकी डेवलपमेंट यहाँ पर होगी। हम लोग ने क्लस्टर के लिए भी अलग अमेंडमेंट कर दी, जो पूरे महाराष्ट्र में है या थाने में है 10,000 square kilometer का उसको एक लिमिटेशन है, लेकिन वो कम करके हम लोग ने 4,000 square kilometer का स्क्वायर मीटर का जो है यहाँ पर जो है वो लिमिटेशन कम किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो क्लस्टर में जा पाएंगे। तो जब भी ये UDCPR लागू होगा तभी जो है हम लोग यहाँ पर जो है हमको जो चाहिए अच्छे रोड चाहिए, रोड तो बनी रहे, डेवलपमेंट हम हमारी बिल्डिंगों की करनी है, यहाँ पर सोसाइटी की करनी है, वो हम लोग कर पाएंगे। हमको अच्छे गार्डन्स यहाँ पर चाहिए, हमको अच्छे स्कूल्स यहाँ पर चाहिए। बाबा साहेब ठाकरे स्टेडियम जो है यहाँ पर उल्लासनगर में पहली बार बन रहा है, उसका काम जो है वहां पर चल रहा है। उल्लासनगर में एंटीलियर ने यहाँ पर जो है, किसी ने कभी सोचा नहीं था कि उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है या अस्पताल ऐसा रन करेगी जो 1 भी रुपया जो है लोगों से मरीजों से नहीं लेगी। वो 200 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है हम लोग ने उल्लासनगर में वहां पर चालू किया, जिसमें आप जाओगे तो कैश काउंटर वहां पर नहीं मिलेगा, सिर्फ एडमिशन काउंटर वहां पर मिलेगा। वहां पर कैथ लैब भी हम लोग ने की है, जिससे लोगों की जो है कार्डियक सर्जरीज भी हो सके, और ब्रेन में अगर स्टेंट डालना है तो वो भी वहां उल्लासनगर में ही जो है वहां पर हो सकते हैं। आज गोल मैदान का विषय, उसके ऊपर हम लोग एक DPR बना रहे हैं, जिससे गोल मैदान का परिसर भी जो है पूरा डेवलप वहां पर हो। तो ये डेवलपमेंट के लिए जो है मुझे लगता है कि सभी लोगों ने साथ में मिलकर अगर काम किया तो डेवलपमेंट जो है, जो अंबरनाथ का हम लोग उदाहरण देते हैं, कल्याण का हम लोग उदाहरण देते हैं, आने वाले समय में जो है उल्लासनगर का भी उदाहरण जो है हम लोग यहाँ पर देंगे कि उल्लासनगर में जो है एक समय उल्लासनगर ऐसा था, लेकिन आज जो है हमारा उल्लासनगर जो है यहाँ पर बदला है। तो ये सब हम लोग ने जो किया है वो उल्लासनगर के लिए किया है, आउट ऑफ द वे जाके जो है हम लोग ने उल्लासनगर के डेवलपमेंट के लिए जो है इतना सारा फंड जो है यहाँ पर दिया है। उसी के साथ में उल्लासनगर में पानी की दिक्कत, उसके लिए भी खुद का स्रोत जो है, ये खुद का
सोर्स बनाने का काम भी प्रगति पथ पर है, वो भी हम लोग जल्द से जल्द बनाएंगे, जिससे पानी की दिक्कत भी जो है उल्लासनगर की बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर कम होगी। तो मैं आपको आश्वासित करता हूँ यहाँ पर कि जो लोगों को अपेक्षित उल्लासनगर है, वो अपेक्षित उल्लासनगर बनने का मार्ग जो है आज से खुल गया है, और वहां पर जो है अपेक्षित काम यहाँ पर उल्लासनगर में होगा, और आने वाले समय में ये उल्लासनगर भी अलग शहर जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। अगर आप कल्याण लोकसभा की बात करोगे तो कल्याण लोकसभा में जो है हजारों करोड़ रुपए का फंड जो है हम लोग ने यहाँ पर लाया है, और ये हजारों करोड़ रुपए का फंड जो है रेलवे में हो, फिफ्थ और सिक्स लाइन जो हम लोग कभी सुन रहे थे, कभी वर्षों से 25-30 सालों से फिफ्थ और सिक्स लाइन होगी होगी होगी, वो करने का काम भी हम लोग ने किया। उसी के साथ में चिकलोली रेलवे स्टेशन जो है, वो वर्षों लोग खाली कह रहे थे 25 सालों से कि चिकलोली रेलवे स्टेशन होगा, चिकलोली रेलवे स्टेशन होगा, करने का काम चिकलोली रेलवे स्टेशन को भी हम लोग ने किया। तो ये सब काम जो है, ये सब काम लोगों तक आप सभी को लेके जाना है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बूथ प्रमुख और सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, मुझे लगता है कि यादी पर जो है आप सभी लोग यहाँ पर काम करो, यादीवरती काम करा, यादीवरती जर काम केला आपण तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जो आहे तो आपण लोकांना खाली मतदारांना खाली आणू शकतो। आणि या यादीवरती जर काम केलं तर गेल्या वेळेस मला जे आहे ते आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने 3.5 लाख मताधिक्य त्या ठिकाणी मिळालं होतं, 3.5 लाख की मार्जिन से मैं जीत के आया था। तभी राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है हमारे साथ नहीं थी। इस पूरे कल्याण लोकसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 लाख वोट है। अगर 2 लाख गए टाइम 2.25 लाख वोट जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला था, और मुझे लगता है कि 90% जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है अजीत दादा के नेतृत्व में जो है सब साथ में आ गई है। तो आने वाले समय में जब ही है 2.25 लाख में से 2 लाख वोट अगर 3.5 लाख में लीड में ऐड हो गए तो 5.5 लाख के ऊपर जो है हमारी मार्जिन जो है वहां पर जा सकती है, और ज्यादा से ज्यादा काम जो है हम इस उल्लासनगर हो, अंबरनाथ हो, इस कल्याण हो, सब पूरे शहर हो, इस पूरे शहर में हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी तरीके से आश्वासित करता हूं कि हम लोग घर पे हाथ पर हाथ करके बैठे नहीं है। हम लोग जो है ये उल्लासनगर है, शहर हमारा है, ये उल्लासनगर हमारा है। हमें इस उल्लासनगर में अच्छी सड़कें हो, अच्छे व्यवस्था हो, अच्छे गार्डन्स हो, इसके लिए जो है प्रयास जो है दिन रात जो है हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। उल्लासनगर में भी बहुत सारे, मुझे लगता है कि 600-700 करोड़ से ज़्यादा जो है निधि जो है उल्लासनगर में हम लोग लेके आए हैं, जिसका काम जो है 1100 करोड़ का निधि जो है कुमार आलोक जी यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि दिक्कतें भी उतनी है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ सोचते बैठे नहीं हम लोग, उसके ऊपर क्रिया करने का काम जो है हम लोग उल्लासनगर में कर रहे हैं। आने वाले समय में उल्लासनगर एक अलग शहर बनकर उभरेगा, ऐसा विश्वास जो है मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रमोद इंदुराव जी उपस्थित हैं, कुमार आयलानी जी उपस्थित हैं, गोपाल जी लहंगे साहब उपस्थित हैं, प्रदीप रामचंदानी हो, भरत गंगोत्री जी हो, भारत राजवानी जी हो, प्रवीण जी खरात हो, भाव गोदोई जी यहाँ पर उपस्थित है, किशन तारमाने जी उपस्थित है, कमलाकर सूर्यवंशी जी है, मालूसरे जी यहाँ पर उपस्थित है, कल्पना मैडम यहाँ पर उपस्थित है, सभी पूरम सुनावने जी हमारे, राजेंद्र चौधरी जी हमारे, भाषण जी जन्म पुरस्वानी जी यहाँ पर उपस्थित है, सभी के उपस्थिति में आज इस उल्लासनगर में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो है यहाँ पर जो है मीटिंग यहाँ पर हुई है। मुझे लगता है कि आज से जो है हम लोग यादी पर जो है बूथ पर अगर काम करना शुरू करें तो आने वाले समय में 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है हम लोग नीचे उतार सकेंगे, और जो जो वोटर जो है घर के बाहर निकलेगा वो महायुति के उम्मीदवार को ही वोट देगा, ऐसा विश्वास जो है हमको यहाँ पर है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो है मतदाताओं को जो है घर से बाहर निकालने का काम हमें करना है, और उसी के साथ में गर्मियों की छुट्टी है, इस छुट्टी में भी लोग जो बाहर जाएंगे उनको बताना है कि 20 तारीख के पहले जो है हमको फिर से उल्लासनगर में आना है, और उल्लासनगर में आके जो है महायुति के उम्मीदवार को जो है हमें जिताना है। फिर से एक बार तीर कमान का निशान जो है वहां पर से इशारा कर रहे हैं, वो जो भी उम्मीदवार है वो तीर कमान पर जो है आपको वहां पर बटन दबा के जो है वहां पर आने वाले समय में महायुति के उम्मीदवार को आपको जिताना है। फिर से एक बार आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे 141 के आमदार श्री कुमार एलानी जी, भारतीय जनता पक्ष के, हमारे दिल में है। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि महायुक्ति के हमारे उम्मीदवार, हमारे लाडले नेता हमारे बीच में है।
हम आज यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की इस मीटिंग में उनको ये सुनिश्चित करने के लिए और ये भरोसा और विश्वास दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं कि हम आने वाले चुनाव में आप सबके साथ हैं और हम तहे दिल से उनके साथ सेवा करेंगे और अच्छे से इलेक्शंस में काम करेंगे। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज एक नंबर से लेकर पांच नंबर तक के हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के पैनल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इवन के हम थोड़ी देर पहले मैं गंगोत्री जी से डिस्कस कर रही थी कि चुनाव में पन्ना प्रमुख बहुत होता है। मैं माफी चाहूंगी कि मैं बहुत शॉर्टकट में अपनी बात रख रही हूँ। हम बूथ अध्यक्ष के साथ साथ पन्ना प्रमुख भी अपना देंगे आपको। तो हम ये चाहते हैं कि आप जीत के दोबारा आए। आप नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वैसे अगर मैं बोलना चाहूँ तो जीत तो आपकी निश्चित है, लेकिन हमें जीत की हैट्रिक में आपके साथ सहभागी होना है। ये हमारी सबकी आपको शुभकामनाएं हैं। पर इसके साथ ही साहब, हमारे ना शहर के कुछ मुद्दे हैं और हमारे शहर को आपसे बहुत सारी उम्मीदे हैं। मतलब इतने मुद्दे हैं हमारे पास कि मैं शॉर्टकट में आपको थोड़े से मुद्दों से जानकार कराना चाहूंगी। कि एक तो सबसे मेन मुद्दा है और आपसे ही उम्मीदें हैं, क्योंकि आप हमारे दो बार के विनिंग हो और तीसरी हैट्रिक की आप तैयारी कर रहे हो। सबसे मेन मुद्दा हमारे शहर में भ्रष्टाचार का है। आप लोग सहमत हो मेरे साथ इस बात पे? हाथ हिलाए। यस साहब, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। थोड़ा अपना कंट्रोल लीजिए। एक छोटे से छोटे आदमी को काम कराने के लिए कॉर्पोरेशन के बहुत टाइम तक धक्के देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। और दूसरा मुद्दा, और जैसे अभी सब जगह ये रोड्स की प्रॉब्लम है और उससे वो मैं अपने हिसाब से ये सब हमेशा समझ के बोलती हूँ कि जब हम अपने घर का भी रेनोवेशन करते हैं तो थोड़ी बहुत हमें तकलीफ आती है, तो वो एक नया शहर बनाने के लिए हमें वो मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर आज की डेट में साहब, मेरी बेटी डॉक्टर है, आज की डेट में हमारे शहर में टीवी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसका हमारे पास जनता को कोई देने के लिए जवाब नहीं है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज इस विषय पर भी ध्यान देना कि जल्दी से जल्दी ये विकास कार्यों को तेजी मिले। और चौथा जो अहम मुद्दा है हमारे खास करके महानगर में, कि हमने सब प्लान साहब डीपी प्लान के तहत बनाने का निर्णय किया था, पर वो डीपी प्लान के तहत बन नहीं रहे हैं, वो ग्राउंड लेवल पे आ ही नहीं रहे हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, पर ये खास करके हमारे शहर के बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे थे। और अभी हमें आपको सपोर्ट करना है, आपको सहयोग देना है। अपने हिसाब से अगर हम वोटों का विभाजन करें तो साहब 3-3.25 लाख के करीब आपको नए वोटर वोट डालेंगे। यंगस्टर्स हैं, उनकी वोटिंग 18 से 32 के बीच में है। जो न्यू वोटिंग लिस्ट अभी हमने सर्वे किया है, 3,11,000 के आसपास के जो न्यू यंगस्टर्स वोटर साहब को वोट डालेंगे, और वो ये जान के खुशी होगी कि वो यंगस्टर्स हैं। लेकिन इसके साथ ही हमारा ये एक प्रेशर उठता है कि हमारे यंगस्टर्स हमसे निराश हैं और आपसे साहब उनको उम्मीद है। वो निराश इसीलिए है क्योंकि कल्याण का भी काफी हद तक सुधार हो गया, अंबरनाथ का भी हो गया, बट उल्लासनगर का नहीं हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे नेबर में रहते बच्चे लिखते नहीं है कि हम उल्लासनगर में रहते हैं, तो ये हम अपने बच्चों को क्या आगे जाके जवाब देंगे। वो लिखते हैं अपना जो सोशल मीडिया पे स्टेटस डालते हैं वो मुंबई डालते हैं, तो ये देख के सुन के हमें थोड़ी शर्म महसूस होती है। तो अगेन माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस विषय पे भी ध्यान देना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार आपके साथ है। इसके साथ साहब एक शॉर्ट में ही बताना चाहूंगी कि पिछली बार पूरे कल्याण लोकसभा नगर संघ में 738 टोटल थर्ड जेंडर्स के वोट थे, जो आपको सिर्फ 112 वोट गिरे हैं, तो उसकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। क्योंकि अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने थर्ड जेंडर्स पे पूरे राज्य स्तर पे बहुत अच्छे से काम किया है, उसकी भी हम आपको पूरी श्योरिटी देते हैं। इसके और हमारा आपको पूरा सहयोग हमेशा राज्य
राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का साथ रहेगा, लेकिन हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज इस मंच से आप हमसे ये वादा करके जाओ, हमें पता है आप वादा निभाने में नंबर वन हो, कि आप ये जीतने के बाद ये विषयों पे सीरियसली सोचोगे और उसका आगे कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है वो सब ध्यान देंगे। और मैं शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि साहब, मैं पंजाबी सिख समाज को बिलोंग करती हूँ और आने वाले समय में बैसाखी का त्योहार आ रहा है, तो हमारा पूरे पक्ष की तरफ से ये सुझाव होगा कि अगर आपके पास आपके चुनावी एजेंडे से आप उसका टाइम मैनेज कर सको, तो एक बार हर एक गुरुद्वारे में कम से कम 1,500-2,000 तक के लोग जमा होते हैं, तो आप अगर वो सुनिश्चित करके हमें बता देते हैं तो हम वो भी जिम्मेदारी लेंगे कि आपका हर गुरुद्वारे में आप जाओ और उधर की संगत से पर्सनली जाके आप अपने चुनाव प्रचार कर सको। हम कल्याण के गुरुद्वारे की भी जिम्मेदारी ले सकते हैं, उधर भी कम से कम 2,500-2,500 लोगों का बैसाखी पे इकट्ठ होता है। तो इन सब शब्दों के साथ साहब एक बार फिर से बोलती हूँ, इट्स नॉट अ टोटली पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, एक आपकी वोटर हूँ मैं, तो उसके नाते बोलती हूँ कि प्लीज हमारे शहर पे ध्यान दो, पूरी की पूरी उम्मीदें आप पे हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का हर पदाधिकारी, हर एक फ्रंटल सेल का अध्यक्ष, हर एक वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, इवन के मैं समझती हूँ पन्ना अध्यक्ष भी आपके साथ खड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आपसे आशा करूंगी कि हमें उल्लासनगर को ये सब चीजों से निजात दिलाइए। प्लीज, आज की डेट में उल्लासनगर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। एक बार फिर से आपका अभिनंदन और आशा करते हैं कि आप जीत की हैट्रिक लगा के जल्दी ही हमसे दोबारा मिलो। धन्यवाद। जय राष्ट्रवादी, जय राम महाराष्ट्र।